हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो मैं बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सा और डिफरेंट है। डिफरेंट तो कुछ ऐसा नहीं है खास, बिकॉज आज मैं अपने कज़न के साथ आई वेंट टू इंद्रलोक, जो न्यू दिल्ली में है, और वहाँ पे सर्विस स्टेशन है मेरी बाइक का। तो थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा बाइक के जो टैंक एरिया है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो वो ठीक कराया। माइट भी कुछ नट स्क्रूज़ वगैरह थोड़े लूज़ थे। वो ठीक कराने के बाद मैं अपने कज़न के साथ आई वेंट टू करोल बाग। करोल बाग में प्रेम ढाबा है जिसका बहुत ही अल्टीमेट खाना है। तो वी हैड सम लाइक चिकन सीख कबाब एंड बटर चिकन खाया था, और उसका सीख कबाब का मैं फ़ैन हूँ। एक राइडर हैं बहुत ज़बरदस्त हमारे ग्रुप के, नितेश नाम है उनका। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर वीडियो के अंदर दिखेंगे वो आपको। और ही नोज़ लाइक मेनी प्लेसेस अराउंड, खाने पीने के बहुत ज़बरदस्त उनको एरिया पता है। तो उन्होंने ही मुझे बताया था एक प्रेम ढाबा है एंड अल्टीमेट फूड है। एंड आई थिंक कि दिल्ली गाइज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रेम ढाबा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड काफ़ियों ने तो ट्राई किया भी होगा, एंड अच्छे खासे बाइकर्स वहाँ पे जाते हैं। आज भी दो बाइकर्स थे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे, एक हायाबूसा पे थे और एक इंट्रूडर में आए थे, 1800 इंट्रूडर, बहुत ही अल्टीमेट बाइक लगी मुझे उनकी। सो वेल, अब शाम को इस वक्त मेरा क्लिनिक का टाइम हो चुका है, मैं अपने क्लिनिक में बैठने जा रहा हूँ, और रात को मेरे कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं। सो फाइनली वी आर एट कमला नगर बबलू का चिकन, और मेरे साथ मेरा कजन है, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड हिज नेम इज नामिश, जो मैंने आपसे बोला था गोलू। कुछ अपने शब्द ऐड करने हैं आपने? भूख लग रही है। भूकू, और वो देखो पीछे चुड़ैल। तो भाई अब भूख तो बहुत लग रही है, अब खाना खाने के बाद ही मिलूंगा। चिकन टिक्का मसाला विद रुमाली रोटी एंड प्याज कॉक। वी आर एट वेलेंसिया होम्स एंड इट्स नोएडा एक्सप्रेसवे, एंड मैं अपनी कजन सिस्टर से, मतलब नामिश की रियल सिस्टर से मिलने आया हूँ। दे हैव शिफ्टेड टू अ न्यू अपार्टमेंट एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। सो भाई, रात के 12 बज रहे हैं और वापस जाते जाते 1:30 बज जाएंगे, बट इस वक्त देख रहे हो मेरा तेल निकल रहा है। अगर आपको खाना बनाना हो तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देखो, चलो का दिमाग घूम हुआ है भाई। गाइस, सो आफ्टर लाइक मीटिंग माय कजन सिस्टर, इस वक्त तो उस चीज़ को भी एक दिन हो गया है, मैं इस वक्त अपने क्लिनिक में बैठा हूँ। और अभी मैं रजौरी गार्डन से वापस आया हूँ। सुबह मुझे एक होम विजिट पे जाना था एंड इट वाज अ केस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। दोनों किडनीज 90% डैमेज हो चुकी हैं और डायलिसिस के लिए वो सोच रहे हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि डायलिसिस शुरू हो जाए, बट अब क्या कर सकते हैं। एक बेटी अपने माँ की लाइफ के लिए मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, मुझे दुख होता है ये सब देख के। एटलीस्ट सबसे बड़ी बात ये है ना, आई एम अ ह्यूमन, तो वो इमोशनल हार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इमोशंस हर इंसान में होते हैं। और फाइनली मैंने उनका केस लिया और मुझे अब मेडिसिन टेक आउट करनी है, तो होपफुली आई थिंक कि चीज़ों में बेहतरी हो जाए। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपने मयूर विहार वाले क्लिनिक में बैठा हूँ और शाम तक बिजी रहेगा। हैप्पी होली टू एवरीवन, मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं या देख रहे हैं, हैप्पी होली टू ईच एंड एवरीवन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। और आज होली के इस
शुभ अवसर पे मैं बस यही दुआ करता हूँ कि सबकी लाइफ जो है वो कलरफुल रहे, मजेदार रहे। और अभी तो होली हम खेलने वाले हैं, बहुत जबरदस्त, खूब मस्ती होने वाली है, खूब एंजॉय करने वाले हैं। और अभी जहां जहां जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे, मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा, पूरा मजा बताऊंगा कि क्या क्या कर रहे हैं हम। अभी मैंने बहुत सारी गुजिया खाई है और शिकंजी पी है और दही पापड़ी खाई है, बहुत मजा आया अभी। और अभी मेरे कजन सब अंदर हैं, मैं रेडी हो रहा हूँ। ये मेरी डस्टर एडवेंचर है जिसमें अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और नोएडा जाने वाले हैं मेरी कजन के पास, और वहाँ पे हम धमाल मचाने वाले हैं। तो मैं बहुत जल्दी आपको वापस मिलता हूँ और अभी सबसे मिलवाता भी हूँ। तो ठीक है, बाय। और सर, मैंने अपने बालों में थोड़ा सा तेल पोता हुआ है और सड़क पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो। और इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ही मजेदार ट्रैफिक हो, बहुत ही मजेदार माहौल है, मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है। फाइनली वी आर एट माई कजन्स प्लेस। और पर्दा तो मजा आ रहा है, बहुत होली खेली है, बट अभी गीली होली तो खेली नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है, इतनी ठंड लगती है यार। तो मेरे आईब्रोज का हाल देखो, कमाल का है। और इस वक्त मस्त खाना बना हुआ है और थोड़ी सी तो भांग बनती है, मैंने नहीं पी, झूठ बोल रहा हूँ। तो एनी हाउ, आगे के क्लिप्स में ऐड अप और करूँगा। तो भाई लोग, आप लोग इंजॉय करो होली को। और अब तो खैर वैसे भी टाइम खत्म हो चुका है, अब तो खाने का सीन है। बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, होली है। सो गाइस, बहुत मजा आया आज, बहुत ज्यादा मजा आया। और हमारे जो कुंदन भाई हैं, इन्होंने अल्टीमेट, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो कजन सिस्टर है उनके हस्बैंड ने अल्टीमेट इन्होंने खाना बनाया और बहुत मजा आया। मटन बनाया इन्होंने, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, और साथ में लहसुन का अचार, क्या फील गुड फैक्टर था ना, मैं आपको कह नहीं सकता, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बहुत टेस्टी खाना बनाया इन्होंने और मैंने बहुत खाया, बहुत खाया, शायद सबसे ज्यादा मैंने ही खाया है। और थैंक यू सो मच कुंदन, ही इज अ वेरी नाइस गाय, मुझे तो मजा आता है जब भी मैं कुंदन से मिलता हूँ। तो गाइस, थैंक यू सो मच सर। अरे, और होली का दिन है तो मुझे लगता है रंग बिरंगी रात और दिन होगा, बिल्कुल। तो दोबारा मिलेंगे हम, और कुंदन साहब हमारे साथ हैं और आज इन्हीं के साथ मैं अपना पूरा दिन बिताने वाला हूँ। तो आई एम रियली एंजॉयिंग द डे, थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी होली टू एवरीवन। गुड बाय डियर्स, गाइस इस वक्त मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ होली में खेलने के बाद, मस्ती वस्ती मारने के बाद बहुत ज्यादा खाना ठूसा है। और इस वक्त अब मुझे मन कर रहा है कि मैं फटाफट नहा लूँ। अभी मैंने थोड़ा सा फेस वॉश किया है, बट स्टिल यू नो अभी नहाना तो बाकी है, वो तो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ऐसा बस मन कर रहा है कि बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खाया है। और फिर बस मिलते हैं दोबारा, और उम्मीद करता हूँ कि ये होली का दिन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा और आगे इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अमेजिंग डेज लेकर आएगा। एंड यही मेरी विशेस हैं, यही मेरी दुआ है, आप सब सलामत रहें, खुश रहें, बढ़िया रहें। और ऐसी हज़ारों जितने फेस्टिवल्स अब आगे इतने सालों में आने हैं, उन सबको आप इसी तरह इन्जॉय करें और ज़िंदगी में खूब खुशी को बटोर सकें और इस लाइफ को अमेजिंग बना सकें। सो इस बाइकर कनी का आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बेस्ट विशेज। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ और इसी तरह मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। प्लीज़ टेक केयर, बाय।